देखिए आप सब जानते हैं हमारा एक प्रोग्राम है ब्लड दो जिंदगी बचाओ। मैं लोगों को ये समझाता रहता हूँ कि देखिए ब्लड देना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मैं ये समझाता हूँ कि देखिए ब्लड देना चाहिए, बिल्कुल इससे नहीं डरना चाहिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन मशगला इंसानियत की खिदमत करना है और ये हमें करना चाहिए। देखिए माशाल्लाह से ये जो नौजवान बच्चा है ये अपने ब्लड का त्याग करके किसी की जान को सेव करेगा। आपका नाम? मुकीत जो है माशाल्लाह पहली दफा ब्लड डोनेट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली ब्लड डोनेट कर रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नौजवान आए और ब्लड देते रहे और उनको जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जिस तरीके से सरहदों के मुहाफिज हमारी पाक फौज है इसी तरह ये हमारे मरीजों के मुहाफिज हैं जो कि अपने खून का तिया देके लोगों की जिंदगियों को सेव करते हैं। यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी है कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी इमदाद समझ लो कि उनको किसी इमदाद की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ ब्लड का एहतियात की जरूरत है और हमारे प्यार की जरूरत है और जो कि हमें देना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसी तरह देखिये अल्हम्दुलिल्लाह मुकीत ने ब्लड डोनेट कर दिया है। देखिये हमारा ये जो प्रोग्राम है ब्लड दो जिंदगी बचाओ, हम अपने लोगों को समझाते रहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमा रहा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कि सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट है, हमने इनकी दो बोतलें अरेंज करा दी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकीत ने सेफली ब्लड डोनेट कर दिया। इससे पहले एक दोस्त थे हसनैन भाई, उन्होंने भी ब्लड डोनेट कर दिया था। बस मैं यही समझाता रहता हूँ अपने नौजवानों को, देखें जब इंसान किसी दूसरे की मदद करने की सोचता है तो सबसे पहले उसकी खुद की मदद हो जाती है कि उसके तमाम टेस्ट हो जाते हैं, उसे पता लगता है कि उसको कोई बीमारी नहीं है। आज मुकीत ने पहली दफा ब्लड डोनेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सेफली किया कि हम मुकीत से थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं कि मुकीत बताएंगे कि ब्लड देने के बाद इनको क्या महसूस होता है, कि इससे कोई टेंशन तो नहीं है। मुकीत बताएं कोई मसला? नहीं कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ब्लड हुआ है, जैसे सोचा था वैसे कुछ भी नहीं हुआ, चक्कर वगैरह कुछ भी नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट। देखिए मुकीत भाई ने ब्लड तो डोनेट कर दिया है, इंशाल्लाह ताला ये ब्लड सुबह ऑपरेशन है, अल्लाह ने चाहा तो ये जरूर पेशेंट के काम आ जाएगा। हमारी जो ये सोच है, हमारा जो ये प्रोग्राम है उसके तहत हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ब्लड देना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। कि देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमा रहा है बेहतरीन मशगला इंसानियत की मदद करना है। तो जब ये सारे काम इतने आसान है तो हमें करने चाहिए और जरूर करने चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। और मैं अपने दोस्तों को ये पैगाम देता रहता हूँ कि देखिए थैलेसीमिया के जो हमारे बच्चे हैं उनको हमारे प्यार की, हमारी समझ लो ब्लड के एहतियात की जरूरत है, उनको किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। जैसे सरहदों की मुहाफिज हमारी पाक अफवाज है, इसी तरीके से हमारे मरीजों के मुहाफिज हमारे ये डोनर हैं जो कि अपने खून का अतिया देकर ये जज्बे से साबित करते हैं कि देखिए जब इंसान के दिल में जज्बा इंसान हो तो वो कुछ भी कर सकता है और ब्लड डोनेट करना कोई मसला ही नहीं है। तो आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, कि ब्लड दो जिंदगी बचाओ, लोगों के काम आते रहो। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जरूर मिलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अब मुकीत आप कुछ कहेंगे ब्लड दो जिंदगी बचाओ? बस आप ऐसे ही चाहिए कि लोगों को ब्लड देना चाहिए, क्योंकि ब्लड देने से जो जो अपनी जो आगे वाली जिंदगी जो जो अपने बच्चों की, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की जो है उनके लिए बहुत वो होता है, जरूरत होता है ब्लड का। तो इसलिए चाहिए कि लोगों को ब्लड दे ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, जिसके इसका सवाब भी है, सदका जारी है ब्लड देना। तो बस ब्लड दे बहुत जबरदस्त इस बच्चे ने बात की कि ये सदका जारी है, जान की जकात ब्लड डोनेशन से निकलती है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जरूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।